पास्ट टेंस प्रेजेंट के बाद होता है पास्ट टेंस इसके भी वही चार होते हैं पास्ट इनडेफिनेट या सिंपल पास्ट कॉन्टीन्यूस या प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इनडेफिनेट को सिंपल भी बोल सकते हैं फर्स्ट होता है पास्ट सिंपल या पास्ट इनडेफिनेट इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म होगी इसलिए बाद में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट लगती है या तो सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इसकी पहचान होती है इसमें लास्ट एगो यस्टरडे इस तरह के वर्ड आए होते हैं जो हमें ये दिखाता है कि कुछ पास्ट में यस्टरडे मतलब बीत गया कल पास्ट का कल अगो बहुत टाइम पहले लास्ट यानी कि पिछले राधा पिछले महीने राधा ने, ने खरीदी पिछले महीने खरीदी थी तो बाय की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी बॉट वी डैश कॉफी एट ब्रेकफास्ट यस्टरडे हमने कल ब्रेकफास्ट में कॉफी पी ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म लग जाएगी ड्रिंक अगर इसका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला बनाना है तो डिड नोट ड्रिंक डिड स्टार्टिंग में लग जाएगा और फिर first form ही लगेगी। अगर बनाना है, रेन यानी कि बारिश नहीं हुई ज्यादा लास्ट समर पिछली गर्मियों में रेन है तो डिड क्योंकि लास्ट समर है यानी कि पास्ट हैवली लास्ट समर आई डैश टू बेड अर्ली लास्ट नाइट मैं जल्दी सोने चला गया लास्ट नाइट लास्ट वर्ड आया हुआ तो गो की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी वेंट अगर नेगेटिव बनाना होता आई डि नोट गो टू बैड डिड नोट लगता और फर्स्ट फॉर्म ही रहती क्योंकि डिड लग गया अगर इंटेरोगेटिव बनाना है डिड आई गो टू बैड अर्ली लास्ट नाइट आई डिड नोट गो टू बैड ये इसका नेगेटिव है ये इंटरोगेटिव है डिड आई गो टू बैट अर्ली लास्ट नाइट क्या मैं जल्दी सोने गया लास्ट नाइट आई डिडेंट गो टू बैट अर्ली लास्ट नाइट लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात में जल्दी सोने नहीं गया और ये सिंपल पास्ट है तो गो ये नेगेटिव और फर्स्ट फॉर्म लग गई इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड स्टार्टिंग में लग गया नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है was या वर लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगेगी सिंगल बंदे को एस वाले की जरूरत है यानी कि ही, शी, इट या एक नाम हो तो वो लगेगा अदरवाइज वर लगेगा फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इसकी भी वही है लास्ट यस्टरडे अगो या फिर सेकेंड फॉर्म दी होती है जैसे ही डैश अ लेटर वेन आई सा सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो इसमें राइटिंग ही है इसलिए में से was लगेगा First form के साथ he was writing letter. वो एक लेटर लिख रहा था जब मैंने उसे देखा इसका नेगेटिव बनाना है तो वॉज ही राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर लिख रहा था आई वॉज रीडिंग अ नॉवल लास्ट यस्टरडे पिछले Uh, कल के आफ्टरनून यानी कि कल दोपहर में ही मैं एक नोवेल पढ़ रहा था वॉज आई है आई सिंगल बंद है तो आई के साथ वॉज आई वॉज रीडिंग आई हर्ड यहाँ पे वी टू आ गई है यानी कि हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड आ गई है मैंने सुना दैट की द चाइल्ड वॉज क्राइंग बच्चा रो रहा था क्राए है चाइल्ड है एक है तो वॉज लगेगा साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी के साथ आई एन जी आई डिड नॉट सी दैट मैंने नहीं देखा कि ये पास्ट का बन गया ना डिड लग गया द टीचर वॉज स्टैंडिंग टीचर खड़ा था था लगता है इसमें बिहाइंड मी मेरे पीछे इसमें क्या होता है था थे थी ऐसा बनना हो तो वोज या वर फर्स्ट फॉर्म ये हो रहा था कर रहा था रहा था रहे थे रहे थी ये बनता है इनका नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है ये पास्ट है इसलिए यहाँ पे हैज हैव नहीं हैज हैव की सेकंड फॉर्म यानी कि हैड लगेगी पास्ट की फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ आप एक ही जगह लगाना अगर बिफोर से पहले डैश दिया हुआ है किसी सेंटेंस में बिफोर वर्ड है और उससे पहले डैश है तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना या फिर आफ्टर के बाद अगर कहीं डैश है तो वहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म या फिर एक बड़ा सा सेंटेंस है एक जगह पे सेकेंड फॉर्म दी हुई है दूसरी में डैश है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी मेनली बिफोर या आफ्टर है यहाँ पे जहाँ पे बिफोर आ गया या आफ्टर आ गया है वहाँ पे पक्का हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगा या फिर said that के बाद है तो he said that, उसने कहा कि ही था या इसमें आएगा चुका था चुके थे इस तरह का ही सेट दैट तो हैड के यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ही हैड नोट वन द प्राइज वो प्राइज नहीं जीता था मोहन हैड रीच होम मोहन घर पहुंचा था बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग रेनिंग बारिश शुरू होने से पहले बिफोरवर्ड आ गया ना तो बिफोर से पहले अगर कहीं भी डैश है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म रीच दिया होगा आपको रीच की थर्ड फॉर्म बनेगी रीच्ड ही हैड ब्रोकन द लॉक उसने लॉक तोड़ दिया बिफोर आई ब्रॉट द की कई बार ऐसे हो जाता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले ही दिए होते है क्योंकि वो बिफोर से पहले है या फिर दो डैश दिए होते हैं एक बिफोर से पहले एक बिफोर के बाद में बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा और बिफोर के बाद अगर डैश है तो वहां पे सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अगर आफ्टर बिफोर का मतलब होता है पहले इसका मतलब है बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद में सेकेंड फॉर्म आती है हमेशा आफ्टर का मतलब होता है बाद में इसलिए आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और अगर पहले डैश है तो सेकेंड फॉर्म He had not put on his उसने अपने कपड़े नहीं पहने थे वेन दैल रंग जब बैल बजी यानी कि जब घंटी बजी नोट पुट यानी कि नेगेटिव बनाना है तो हैड हैड के बाद नोट लगेगा फिर थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड नोट पुट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट है यानी कि पास्ट की फॉर्म लगेगी परफेक्ट है जहां पे भी परफेक्ट आ जाए तो हैज एव हैड में से एक लगता है Continuous है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा लेकिन हैज एव हैड के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए अगर हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है तो बीच में बीन लगाना पड़ेगा हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसकी भी एक ही पहचान है सिंस या फोर दिया होता है सिर्फ उसमें हैज या हैव लगता है इसमें हैड लगता है सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है यानी कि सिंस मंडे नाइनटीन नाइन्टी नाइन सिंस यास्टरडे फोर के बाद पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबा समय सिंस टू आवर्स सिंस टू डेज सिंस फोर वीक्स सिंस फोर मंथ्स ऐसे आता है तो सिंस के बाद अगर टाइम दिया हो तो उसमें बस हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देना द वोटर इसकी एक और पहचान है अगर सिंस के बाद अगर सिंपल है तो हम उसमें हैज हैव बीन प्लस आईएनजी लगा सकते हैं अगर सिंस के बाद सेकंड फॉर्म है सेंटेंस में कही तो फिर वहां पे पक्का हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा या फिर सिंस या फॉर कहीं भी दिया हो आप हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हैं गलत नहीं जाएगा द वाटर हैड बीन बॉइलिंग पानी उबल रहा था उबल रहा था यानी कि पहले हो रहा था वो काम फॉर टेन मिनट दस मिनट के लिए वाई डिड नोट यू पुट टी लीव ए निक तुमने क्यों नहीं डाली चाय पत्ती इसमें डिड आया सेकेंड फॉर्म आ गया वैसे भी फोर के बाद टाइम है तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है जोर से फॉर अ वीक एक हफ्ते से एंड द डैम वॉज फ्लडेड और जो डैम थे बांध थे वो फ्लडेड हो गए थे यानी कि बाढ़ आ गई थी उनमें पानी से भर गए थे रेन दिया हुआ तो हैड बीन रेनिंग क्योंकि फोर के बाद टाइम है और उसके बाद जो सेंटेंस है उसमें सेकेंड फॉर्म है द टीचर हैड बीन टीचिंग टीचर पढ़ा रहा था द क्लास क्लास को फॉर वन आवर वन एक घंटे से वैन द प्रिंसिपल केम सेकेंड फॉर्म आ गई और फोर के बाद टाइम आ गया तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी ही हैड बिन ट्राइंग वो ट्राई कर रहा था टू सोल्व दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की सिंस या स्टरडे या स्टरडे से सिंस के बाद टाइम आ गया कल से तो हैड बीन ट्राइंग जहां भी सिंस या फोर आ जाए और बाद में टाइम आ जाए वहां पर आपको हैड बिन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देना है हैड बीन का मतलब होता है कि कोई काम पहले हो रहा था अब बंद हो गया है. Has been या have been फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का मतलब होता है कोई काम पहले से शुरू हो रहा है अभी भी चल रहा है